मैं अपने आप को देख रहा था पलंग पे लेटे हुए और मुझे बड़ी डर लगने लगा कि क्या हुआ, मेरी मौत तो नहीं वाकई हो गई है, मेरी रूह तो नहीं जो अपने जिस्म को देख रही है। आज मैं एक छोटी सी मेडिटेशन कराऊंगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने जिस्म से बाहर निकलते हैं तो एक्सपीरियंस क्या होता है। आप अपने जिस्म को देख रहे हैं, इस वक्त ग्रेविटी आप पर असर नहीं कर रही, आप मोहल्ले के हवा में और ऊपर जाते हुए यू कैन सी द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज यू आर नाउ इन स्पेस, और आपको आपका गोला, आपकी अर्थ नजर आ रही है जिसका बेशतर हिस्सा ब्लू है। बराए करम अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जो बेल आइकॉन है ना उसको प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। सैटरडे का दिन है यानी रात है और आज आपका हेवन ऑफ फीलिंग में मेडिटेशन है। आज की मेडिटेशन से पहले एक बात करना चाहूँगा आपसे, ये जो वीडियो होगी इसको जो मैक्सिमम शेयर करेंगे आप लोग, मैक्सिमम शेयर करें, पता नहीं किस किस को क्या फ़ायदा हो जाए, तो इस वीडियो को जो 5 लोग मैक्सिमम शेयर करेंगे हमारी तरफ से उनको ये CD स्ट्रेस पावर की, ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इसमें ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कहते हैं, इस CD में मौजूद है। ये हम 5 लोगों को जो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, हम उन्हें अगर पाकिस्तान में है तो बाई पोस्ट भेजेंगे, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको इसकी ई कॉपी भिजवाई जाएगी। तो याद रहे मैक्सिमम शेयर कीजिए इस वीडियो को और ये स्ट्रेस पावर की CD फ्री हासिल कीजिएगा, मगर उन लोगों को जिनकी सबसे ज़्यादा शेयर होगी। तो हम इसको नोट करेंगे कौन कितनी शेयरिंग करता है। तो मेडिटेशन शुरू करते हैं दोस्तों, और मेडिटेशन में आज हम एक मेडिटेशन करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी कुछ लोगों ने ये कहा है कि रात को एकदम से मुझे ऐसा लगा जब मैं अपने जिस्म से बाहर हूँ, आई एम आउट ऑफ माई बॉडी, और मैं अपने आप को देख रहा था पलंग पे लेटे हुए और मुझे बड़ी डर लगने लगा कि क्या हुआ, मेरी मौत तो नहीं वाकई हो गई है, मेरी रूह तो नहीं जो अपने जिस्म को देख रही है। दोस्तों एक फिनोमेना होता है मेटाफिजिक्स में, उसको कहते हैं OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। कभी कभी होता है, बाज़ दफ़ा कोई बहुत ही ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हो उसमें होता है, बाज़ दफ़ा किसी हादसे की वजह से होता है, और बाज़ दफ़ा जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके साथ कभी कभी ये एक्सपीरियंस होता है। आज मैं एक छोटी सी मेडिटेशन कराऊंगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने जिस्म से बाहर निकलते हैं तो एक्सपीरियंस क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि हर आप में हर शख्स जो मुझे इस वक्त इस मेडिटेशन के साथ मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है लाइव, उसको एक्सपीरियंस हो, कुछ को होगा कुछ को नहीं होगा, बट लेट्स सी होती किस तरह, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। याद रहे ये बच्चे ना करें इसको, और बराए करम हामला ख्वातीन ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन ना करें इसको, और अगर आपको कोई हार्ट की कंडीशन है सीवियर किस्म की, सीरियस किस्म की, तो बराए करम इस मेडिटेशन को मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो इसमें गहरी पुरसकून कैफियत में दाखिल होना होता है। यू हैव टू गो इनटू अ वेरी डीप रिलैक्स स्टेट इन ऑर्डर टू डू दिस। तो आंखें बंद कर लीजिए, लाई डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सोफ़ा कुर्सी पर बैठ जाइए। चले जी लेट्स स्टार्ट। वीडियो बंद कर लीजिए ताकि ये ग्लेयर आपकी आंखों पर ना आए, मेरी आवाज आपके लिए काफी होगी। मैं 20 से एक उल्टी गिनती गिनूंगा, हर नंबर पे आपने अपने जिस्म को मजीद ढीले से ढीला छोड़ना है। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर बॉडी ऑन एवरी काउंट, कंप्लीटली टोटली इजीली एंड नेचुरली। 20, 19, रिलैक्स। 18, 17, 16, feel more and more relaxed. 15, 14, 13, feel going deeper and deeper. 12, 11, 10, deeper and deeper. 9, 8, 7, all the way deep down now. 6, 5, feeling so relaxed. 4, 3, deeper and deeper. 2, 1, deeper and deeper. अब कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस के रिदम पे गौर करें। जस्ट फील योर इनहेलेशन एंड योर एक्सहेलेशन, सांस लेने का अमल और सांस निकालने के अमल को फील करें।
Now I want you to think, पैदा होने से पहले, इस जिस्मानी वजूद में आने से पहले आप मौजूद थे? Did you exist before you were born? Yes. Before we were born, we actually existed in another dimension. Then we entered a human body and became human beings. Now that essence of ours, what we call the soul or the consciousness jo hai hamari, wo hamare is jism mein maujood hai. Ab mazid gehrai mein jane ke liye teen gehre saans lein. Take 3 deep breaths and go deeper. Now I want you to focus on your toes. अपने पंजों पे focus करें. इसको इतना relax करें, इतना relax करें कि आपको महसूस ही ना हो कि आपके पंजे मौजूद हैं. और आप ऊपर की तरफ आके दोनों टांगों को left and the right leg relax them deeply. And now your abdomen, your navel, your stomach, your back, your chest, your arms and your shoulders, your neck, your throat, your chin, your cheeks, your jaws, eyes, ears, relax them deeply. Now at the count of three, when I snap my finger, I want you to imagine that you can actually come out of your body. तीन के काउंट पे इमेजिन कीजिएगा कि मैं अपने जिस्म से बाहर आ सकता हूँ और आ गया हूँ. 1, 2, 3. फील योर सेल्फ आउट ऑफ योर बॉडी. महसूस करें आप अपने जिस्म से बाहर हैं और आप अपने जिस्म को देख रहे हैं. इस वक्त ग्रेविटी आप पर असर नहीं कर रही, आप मोहल्ले के हवा में और आप अपने आप को देख रहे हैं. बाहर से आप अपने आप को देख रहे हैं, वही कपड़े जो आपने पहने हैं, बैठे हैं, लेटे हैं. यू कैन सी योर सेल्फ. नाउ लेट्स एक्सपेंड दिस. अब कहाँ जा सकते हैं? स्लोली ग्रेजुअली राइज करें अपने आप को, अपने इस वजूद को जो आपका असल वजूद है, इसके एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसमें मिसाली सूफिया करामी से जिसमें मिसाली कहते हैं. इसको रेस करें, रेस करते करते सीलिंग जो आपकी छत है उससे बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें और आ जाइए फ़ज़ा में, बिल्कुल आसमान में. यहाँ से आप घर देखें, अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अतराफ में देखें आपका नेबरहुड, सेंस करें और ऊपर जाइए तो आपको मज़ीद एरिया सेंस करें. ट्रैफिक, रोड, ट्रीज, कार्स, हाउसेस. एंड एज यू बिगिन टू गो हायर एंड हायर, यू कैन एक्सपीरियंस द इंटायर सिटी. पूरे शहर का आप जायजा लें और हायर एंड हायर. एज यू गो हायर एंड हायर, यू कैन सी द इंटायर कंट्री इन विच यू लिव. पूरे मुल्क को आप देख रहे हैं और उस मुल्क के साथ दूसरे मुल्कों की सरहदें हैं. अब ज़्यादातर चीज़ें जो या तो हरी हैं या ब्राउन हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, अब कुछ एरिया आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ये पानी है. एंड एज यू बिगिन टू गो हायर एंड हायर, यू कैन सी द इंटायर कॉन्टिनेंट. और ऊपर जाते हुए यू कैन सी द इंटायर वर्ल्ड बिकॉज यू आर नाउ इन स्पेस. और आपको आपका गोला, आपकी अर्थ नजर आ रही है, जिसका बेशतर हिस्सा ब्लू है, ये पानी है. मजीद ऊपर जाते जाते इवेंचुअली अब आप अपने सूरज और दूसरे प्लैनेट्स को सेंस कर रहे हैं और यहाँ से आपका प्लैनेट काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है. और हायर एंड हायर, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इवेंचुअली आपको पता चला कि आपका पूरा निज़ाम शमशी जो है वो तो एक छोटा सा डॉट है इस कहकशां में जिसमें आप मौजूद हैं. और इस कहकशां में ना जाने कितने सूरज, ना जाने कितने सितारे, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं और कितनी निज़ाम शमशी मौजूद है. सो मेनी सोलर सिस्टम्स इन दिस गैलेक्सी दैट यू आर नाउ इन. सो व्हेन यू गो दैट हाई,
आप रियलाइज़ करते हैं जब ऊपर जाते हैं कि हम जिस धरती पे बड़े फख्र से चलते हैं वो तो नज़र भी नहीं आ रही। इट इज़ सो इनसिग्निफिकेंट राइट नाउ एट दिस लेवल वे यू बाई रियलाइज दैट दिस इंटायर कॉस्मोस एंड दिस इंटायर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सो मच दैट यू नेवर इमेजिन बिफोर। कभी आपने सोचा नहीं था कि इतना कुछ है इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में। अब वापसी का सफ़र करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू करें। गैलेक्सी से आप अपने सोलर सिस्टम पे आए, अब आपने अपनी दुनिया अर्थ को देखा, उस तरफ जाएं, अर्थ के करीब आए। अब आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आते गए, इवेंचुअली आप अपने कॉन्टिनेंट में आते हैं जिस कॉन्टिनेंट में आप रहते हैं, और मज़ीद नीचे आते हुए आप उस मुल्क की तरफ आए जिस मुल्क में आप रहते हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ, शहर से अपने इलाके की तरफ, और इलाके से अपने नेबरहुड की तरफ, और वहाँ से आप अपने घर में दाखिल हुए। और अब वक्त है कि 3 के काउंट पे अपने जिस्म में वापस चले जाएं। 1, 2, 3, गो बैक इन टू योर बॉडी नाउ। ये जो एक्सपीरियंस लेके आप आए हैं गैलेक्सी का और सोलर सिस्टम का और सितारों का और सैयारों का, क्या लगता है ये जो मैं ज़मीन पर अकड़ के चलता हूँ हुक्मरानों की तरह, बादशाहों की तरह, क्या ये मुझे जेब देता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम सो इनसिग्निफिकेंट इस कायनात में, ना जाने क्या क्या है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। जो चीज़ मुझे मुनफरद करती है वो मेरी रूह है, मेरा कॉन्शसनेस है। बाकी मेरे नज़रियात, मेरी चॉइसेस, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे बिलीव्स, ये सब मीनिंगलेस है। दोस्तों 1 से 5 गिनूंगा, 5 पे आप आहिस्तगी से अपनी आंखें खोलिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्या फील किया। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में #AskDrMoiz आज डॉक्टर मोइज के बाद सवाल लिखिएगा। 1, 2 बिगेनिंग टू इमर्ज नाउ, 3 आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आ रहे, 4 और 5 आइज ओपन वाइड अवेक, आंखें खोल लीजिए। दोस्तों याद रहे जो मैक्सिमम शेयर करेगा हमारी तरफ से उनको ये CD स्ट्रेस पावर की, ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इसमें ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कहते हैं, इस CD में मौजूद है। ये हम 5 लोगों को जो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, हम उन्हें अगर पाकिस्तान में है तो बाई पोस्ट भेजेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको इसकी e-copy भिजवाई जाएगी। तो याद रहे मैक्सिमम शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ये स्ट्रेस पावर की CD फ्री हासिल कीजिएगा, मगर उन लोगों को जिनकी सबसे ज़्यादा शेयर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।